वर्तमान मुझे बजेट विभिन्न क्षेत्र पर उद्दिष्ट गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप गुड़िक आलोकपात करने को जाऊँ। माननीय बाचस्पति महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र जीवन रत्न, प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक तत्वावधान में विगत दुई दशंधि मध्य ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अविश्वसनीय रूपांतरीकरण हो। 2000 मसीह खराब स्वास्थ्य सूचकांक परिचित ओडिशा आज 2005-2020 एसआरएस मध्य देश में शिशु मृत्यु हार सर्वाधिक ह्रास कर 2015-17-18-20 एसआरएस मध्य देश में मातृमृत्यु हार एमएमआर रे द्वितीय सर्वाधिक पॉइंट ह्रास कर और सर्वोच्च टीकाकरण कवरेज 90.5% NFHS-5 कराइबारे एक सफलता हासलकारी राज्य भाव उभा हो। माननीय मुख्यमंत्री आह्वान, प्रत्येक जीवन मूल्यवान रे उद्बुद्ध हो कोविड परिचालन रे आम राज्य विश्वव्यापी स्वीकृति एवं प्रशंसा पाई। महामारी समय रे आम राज्य प्रत्येक नागरिक को कोविड हॉस्पिटल माध्यम रे मागणारे सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई दीथिला। समग्र देश में अम्लजान उत्पादन घोर अभाव थिला बेले अन्य राज्य मानक अम्लजान जोगाई देवारे ओडिशार प्रमुख भूमिका प्रशंसनीय थिला। एसबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को एम्स प्लस वर्गर हॉस्पिटल रूपांतरित करिबा थारु आरंभ करी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना, स्मार्ट हेल्थ कार्ड तथा मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवार शुभारंभ पर्यंत राज्यर स्वास्थ्य सेवा विकास क्षेत्र में 5T पदक्षेपर प्रभाव तृणमूल स्तर में स्पष्ट भाव दृश्यमान होउछि। जनस्वास्थ्य सेवा पई मोट 16,648 कोटी टंका व्यय बराद कर जहाँ गत आर्थिक वर्षर व्यय बराद तुलन 27% अधिक अटे एवं 2017-18 आर्थिक वर्षर आवंटन प्राय 3 गुण अटे। यह राज्य बजेटर प्राय 7% अटे। इतिम्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग प्रशासनिक व्यय बराद बाबद को 3,725 कोटी टंका एवं कार्यक्रम व्यय बराद बाबद को 12,031 कोटी टंका अंतर्भुक्त। कार्यक्रम व्यय अधीन व्यय बराद को जथेष्ट वृद्धि कराकि 22-23 आर्थिक वर्षर व्यय बराद ठार 33% अधिक अटे। आम हॉस्पिटल 5T अधीन जनस्वास्थ्य सुविधा रूपांतरीकरण समस्त स्वास्थ्य सेवा आम सरकार मार्गदर्शी नीति हो। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िक चिकित्सार मान को श्रेष्ठ घर हस्पिटाल उपलब्ध चिकित्सार मान सहित समतोल करवा आम माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न अटे। एथिपाई मु स्वास्थ्य क्षेत्र में आम हॉस्पिटल नामक एक नूतन योजना आरंभ करने को प्रस्ताव देउची जो 2023-24 बजेट आकलन में 750 कोटी टंका व्यय बराद सहित 1 वर्षर रेकर्ड अवधि मध्य 147 स्वास्थ्य केन्द्र को रूपांतरित करने को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा जाए। योजना अधीन स्वास्थ्य भित्तिभूमि, रोगी मानकर मौलिक सुविधा सुजोग एवं सार्वजनीन स्वास्थ्य केन्द्र यथा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र, उपजिला डाक्तरखाना एवं जिला मुख्य चिकित्सालय सेवा प्रदान व्यवस्था उन्नतिकरण करवर्ती पर्यायर राज्यर समस्त स्वास्थ्य केन्द्र को यही योजन अंतर्भुक्त करजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। जितेबले कौन पर असुस्थता आसी थाए स्वास्थ्य खर्च विपज्जनक हो पाए जहाँ जीवन कालर समस्त संचय नष्ट एवं परिवार को दारिद्र्य सीमारेखा तले ठेली थाए। असुस्थता समय रे समस्त दुर्बल परिवार को सुरक्षा देवा उद्देश्य रे माननीय मुख्यमंत्री उल्लेखनीय विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार शुभारंभ करी ओडिशा को देश तथा संभवतः विश्वर प्रथम एवं एकमात्र राज्य में परिणत करते जो थे ओपीडी परामर्श ठार आरंभ कर ICU एवं अस्त्रोपचार पर्यंत समस्त स्वास्थ्य सेवा सरकारी डाक्तरखाना समस्त व्यक्ति को मागणे प्रदान कराए। प्रतिवर्ष गरीब परिवार औषध जनित खर्च बाबदे 600 कोटी टंका संचय करिथांती जहाँकि निरामय योजना अधीन रे भरणा करा जाए। से ही केवल निदान जनित खर्च रे ओडिशावासी वर्ष को 150 कोटी अधिक टंका संचय करती कारण राज्य सरकार यह निदान योजना बहन करती। यह व्यतीत ओडिशार 3,30,00,000 रु अधिक लोक अंतर्भुक्त कर 96,50,000 परिवार को 17 राज्यर 600 रु अधिक प्रमुख घर हस्पिटाल नगद विहीन स्वास्थ्य जोगाई दि जाए। वर्तमान सुधा 10,00,000 रु अधिक परिवार प्रमुख घर हस्पिटाल स्वास्थ्य सेवा खर्च बाबदे 2,100 कोटी रु अधिक टंका संचय कर। पवित्र गृह सदस्य माने जाणी आनंदित होबे जे प्राय 50,000 परिवार
वार्षिक 1,00,000 टंकारु अधिक नगद विहीन सेवा पाइछन्ति एवं पाखापाखी 1,000 महिला वार्षिक 5,00,000 टंकारु अधिक स्वास्थ्य सेवा पाइछन्ति। यहाँ यही योजनार सफलतार एक सूचक जे BSKVI वर्ष वर्ष धरी रेकर्ड 97% रोगी सकारात्मक मतामत हासिल कर 2023-24 बजेट अटकल सरकारी डाक्तरखाना गुड़िकरे मागणा औषध एवं निदान सेवा जोगाण एवं BSKVI कार्ड धरी रोगी को नगद विहीन चिकित्सा जोगे देवा पाई घरोई हॉस्पिटल गुड़िकर दाबीर प्रतिपूरण पाई निरामय अधीन 513 कोटी टंका निदान अधीन 140 कोटी टंका एवं राज्य स्वास्थ्य भरोसा सोसाइटी अधीन 2,380 कोटी टंका रा व्ययबरात करा जाय छे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन MMSSM मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन सारा राज्य रे स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि सृष्टि और संप्रसारण उपरे राज्य सरकार अधिक गुरुत्व प्रदान करुछंती। विगत 6 वर्ष मध्य राज्य सरकार बालेश्वर बारीपदा बलांगीर कोरापुट पुरी केन्दुझर और सुंदरगढ़ में 7 नूतन मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करथिबा बेले कटक स्थित आचार्य हरिहर कर्कट हॉस्पिटल और कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर ठारे 2 नूतन स्नातकोत्तर प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा करिसंती। 2023-24 कलाहांडी मेडिकल कॉलेज को कार्यक्षम करिबा परे परवर्ती पर्याय तालचेर फुलवाणी और जाजपुर मेडिकल कॉलेज को कार्यक्षम करने को योजना रही। डाक्तरी शिक्षा को सुदृढ़ करने माननीय मुख्यमंत्री दूरदृष्टि हेतु डाक्तर विशेषज्ञ आवश्यकता को पूरण कर राज्य आत्मविश्वास आत्मनिर्भरशीलता दिगरे अग्रसर होशा 2000 मसीह वर्षक 321 जन MBBS डाक्तर ओ 254 जन विशेषज्ञ सृष्टि करुवा बेले एवं आम प्रत वर्ष 2200 MBBS डाक्तर और 826 जन विशेषज्ञ सृष्टि करुचु एवं प्रत वर्ष यह संख्या वृद्धि पाउची। 2021 मसीह माननीय मुख्यमंत्री सरकारी उच्च विद्यालय छात्र छात्री मान निमित्त 15% MBBS सीट संरक्षित करने एक ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करते यह आम मानी एक गौरव विषय जे विगत 2 वर्ष नीति अनुजाई 415 जन सरकारी उच्च विद्यालय छात्र छात्री MBBS पाठ्यक्रम नाम लिखाई राज्य योजना अधीन रे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन रे भित्तिभूमि विकास पाई 2023-24 व्यय अटकल 3,003 कोटी टंकार व्ययबरात प्रस्ताव दि जाएगी जो थे SCB पुनः विकास कार्यक्रम 1,400 कोटी टंका अंतर्भुक्त। एतद व्यतीत 2023-24 आर्थिक वर्षर बजेट अकल डाएट पर 71 कोटी टंका निर्मल अधीन निरापत्ता परिमल व्यवस्था सफेई और रक्षणबेक्षण कार्यक्रम सेवा आउटसोर्सिंग बाबद 646 कोटी टंका और उपकरण 110 कोटी टंका व्ययबरात कर। आंबुलांस सेवा गुरुतर असुस्थ रोगी को चिकित्सा निम्ते जरूरी कालीन परिवहन सेवा जोगाइदे उद्देश्य 2012-13 आर्थिक वर्ष राज्य सरकार 108 आंबुलांस सेवार शुभारंभ करते वर्तमान समग्र देश में 108 आंबुलांस सेवा पाइबार हाराहारी प्रतिक्रिया समय प्राय 30 मिनिट अटे। मुख्यमंत्री अभिलाष प्रत्येक जीवन मूल्यवान को ध्यान रखी राज्य सरकार यही हाराहारी प्रक्रिया को समय को 30 मिनिट रु 20 मिनिट को ह्रास करने को उच्चाभिलाषी लक्ष्य रखिंट। एथपाई वर्तमान जनसंख्यार 236 कोटी नूतन आंबुलांस अंतर्भुक्त करने को प्रस्ताव रही जो 2023-24 आर्थिक वर्षर बजेट अटकल 250 कोटी टंका व्ययबरात प्रस्ताव रही। ओडिशा व्यापक कर्कट चिकित्सा योजना जनसाधारण को केमोथेरापी अंग सर्जरी रेडियोथेरापी और पीड़ा उपशमकारी कर्कट रोग चिकित्सा सेवा जोगाई देवा निम्ते 3 पर्याय 11 केन्द्र प्रतिष्ठा करने 1,046 कोटी टंकार व्यय अटकल कर। 2023-24 आर्थिक वर्ष कर्कट चिकित्सा केन्द्र प्रतिष्ठापी 211 कोटी टंका व्ययबरात प्रस्ताव रही। जातीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण सहरांचल 2023-24 आर्थिक वर्ष विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनार कार्यकारिता 2,299 कोटी टंका व्ययबरात करतीमु NHM 1,911 कोटी टंका और PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि मिशन योजना 338 कोटी टंका उद्दिष्ट। स्वास्थ्यकर्मी संख्या वृद्धि समस्त चिकित्सालय डाक्तर उपस्थिति सुनिश्चित करने समस्त सार्वजनीन स्वास्थ्य केन्द्र में जेपरी आवश्यक संख्यक डाक्तर और पारामेडिक्स रहिबे ता सुनिश्चित करने सरकार लक्ष्य। यही लक्ष्य को दृष्टि रखी केवल गत 5 वर्ष पाखापाखि 4,000 डाक्तर को नियुक्ति दि जाता बेले 2023-24 5,000 अधिक डाक्तर को नियुक्ति दिजो आशा कर।
से बोली सरकार गत 3 वर्ष रे 9000 अधिक नर्स और पारा मेडिकल अफिसर को नियुक्ति देता बेले चलित वर्ष आउ 9000 नियुक्ति पाइबे बोली आशा कर 2023-24 बजेट आकलन में प्रशासनिक व्यय अधीन सेमानकर प्रतिष्ठान व्यय बाबद को अतिरिक्त 229 कोटी टंका व्ययव्रत प्रस्ताव दिया जाएगी।